दोस्तों मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। इस वीडियो में आपको यहाँ पर गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। देखिए 1 नवंबर की डेट में ये जारी हुआ है जो कि आज है, तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और ये जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो जितने भी लोग कमेंट कर रहे थे, जिनके सवाल थे, वैसे तो मैंने पहले इसके पहले भी नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें बताया गया था कि 7 नवंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर डेट आ चुके हैं और ये भी बताया गया था कि आपको ईमेल के जरिए से उसका नोटिफिकेशन आपको देंगे कि कब किस सब्जेक्ट का, अलग अलग सभी जो डिपार्टमेंट है वो आपको ईमेल करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो किस सब्जेक्ट का है, कब ये वेरिफिकेशन किया जाएगा, सारी जानकारी आपको यहाँ पर किस जगह पे क्या टाइम होगा, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो पे मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और देखिए यहाँ पर देखिए टू द कैंडिडेट्स, यानी कि आप स्टूडेंट के लिए एज पर लिस्ट, तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन हो चुका है, ठीक है, जो लोग एडमिशन ले चुके, फीस जमा कर चुके, ऐसे स्टूडेंट के लिए है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश में लिखा गया है, मैं इसको आपको कन्वर्ट करके आपके आसान भाषा में इसको समझाऊंगा। तो वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर ऑफ CUET 2022 और एंड द रिकमेंडेशन ऑफ द एडमिशन कमिटी, यू हैव टू प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर द एडमिशन इन BA हॉनर्स इन हिस्ट्री। तो ये जो है BA हॉनर्स हिस्ट्री के लिए जितने भी स्टूडेंट का यहाँ पर एडमिशन हो चुका है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पर समर्थ पोर्टल के थ्रू उन्होंने जो है पेमेंट भी कर दिया है। यू आर प्रोविजनली एडमिशन थ्रू समर्थ पोर्टल इज ग्रांटेड एंड इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो आप लोगों का एडमिशन हुआ है, अब जो बारी है फिजिकल वेरिफिकेशन की है। तो यहाँ पर देखिए ये मैंडेटरी है, जरूरी है करवाना, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था। अब लेकिन ये था कि जिस इसके पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें 7 नवंबर को ये होने वाला था, लेकिन उसके पहले यहाँ पर BA हॉनर्स हिस्ट्री वालों का होगा। तो कब होगा, तो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैज बीन शेड्यूल ऑन 7 नवंबर को होगा और ये कहाँ पर होगा, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, 10 बजे के बाद होगा, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में जाना है। तो BA हॉनर्स हिस्ट्री के लिए ऑफिशियल यहाँ पर जारी कर दिया गया है और बाकी लोगों के लिए भी यहाँ पे बताया गया कि 7 नवंबर, तो डेट वही है, 7 नवंबर ही है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको लगने वाले हैं फिजिकल वेरिफिकेशन में, तो यहाँ पर देखिए ओरिजिनल लगेगा, ओरिजिनल के साथ में 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज, यानी कि ओरिजिनल लेके जाना है, 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज आपको लेके जाना है। क्या क्या लगेगा, अप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ फीस रिसिप्ट। तो जो आपने CUET के लिए अप्लीकेशन फॉर्म भरा था, एडमिशन फॉर्म, वो लगेगा, उसके साथ जो आपने फीस पेमेंट किया है अभी वो आपको लगने वाला है, और जो कि फीस रिसिप्ट आपने जो समर्थ पोर्टल में भरा था तो उसको समर्थ पोर्टल से ही आपने डाउनलोड किया है, वो वाला आपको लगेगा, उसको आप लोग प्रिंट करके निकाल लीजिए और हार्ड कॉपी उसका लगने वाला है। 10वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12वीं का लगेगा और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ओरिजिनल में लगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल में लगेगा। अगर आप जो भी कास्ट के हो तो उस कास्ट को सपोर्ट करने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल में लेके जाना है। गैप अफिडेविट फॉर द सेम गैप है तो उसके लिए गैप सर्टिफिकेट लगेगा। 4 पासपोर्ट साइज फोटोज लगेंगे, 4, याद रखिए 4 पासपोर्ट साइज फोटो। तो ये जो 9 प्रकार के डॉक्यूमेंट हैं, इन डॉक्यूमेंट्स का 2 सेट फोटोकॉपी और ओरिजिनल में भी आपको लेके जाना है। और यहाँ पर आपको 7 नवंबर को जो इसका रखा गया 10 बजे के बाद हिस्ट्री के डिपार्टमेंट में, वो आपको करवाना ही है। और जो इस फिजिकल वेरिफिकेशन में नहीं करवाएंगे, जाएंगे नहीं, तो उनका एडमिशन यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा और इसके लिए आप लोग ऑब्जेक्शन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का रूल है, उन्होंने बकायदा नोटिफिकेशन दे के आपको बताया है। बाद में ये मत कहिए कि आपको पता नहीं चला, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये इस चैनल पर आपको GGU के सारे अपडेट रेगुलर मिलेंगे, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो तो बेल आइकन बटन जरूर दबा के रखिए, ठीक है। उसके बाद हॉस्टल के लिए भी यहाँ पर बताया गया, हॉस्टल विल बी अलॉटेड टू एडमिटेड स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट आफ्टर और
एट द सेम टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो एक चीज मैं बता दूं कि जो भी यहाँ पर बीए हॉनर्स हिस्ट्री के हैं, बाकी का भी 7 नवंबर को ही बताया गया है, लेकिन इससे अलग से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तो इसका 7 तारीख को ही हॉस्टल के अलॉटमेंट भी होगी, उसी दिन होगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे और आपके डॉक्यूमेंट का भी ये जो हॉस्टल का काम है वो भी उसी दिन हो जाएगा। उसमें भी आपको एडमिशन के लिए जो भी प्रोसेस है वही पर ही उस दिन ये सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। तो 7 नवंबर को आपको जाना है, बी हॉनर हिस्ट्री के लिए हो चुका है यहाँ पे नोटिफिकेशन, लेकिन बाकी का नोटिफिकेशन अगर जारी नहीं होता है तो भी होगा, आपको ईमेल भी आएंगे। और इसके पहले जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें बता दिया गया था कि 7 नवंबर को ये होने वाला है, ठीक है। तो 7 नवंबर को आपको बिलासपुर के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में जाना है। जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया हूँ 9 प्रकार के डॉक्यूमेंट है, उसका 2 सेट फोटोकॉपी, 4 पासपोर्ट साइज आपके फोटो लगेंगे, ये लेकर जाइए। तो इस नोटिफिकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले, बाद में डेट निकल जाएगी तो आपको समस्या होने वाली है क्योंकि एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा आप लोग अगर ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आप नहीं करवाएंगे तो। तो यही नोटिफिकेशन था। ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर से दबाइए ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।